न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर, और बड़ी खबर दिल्ली दंगों को लेकर। क्राइम ब्रांच की चार्जशीट में बड़ा खुलासा हुआ है, और बड़ा खुलासा ये हुआ है कि दिल्ली में जो साजिश रची गई थी और इसी साजिश के तहत दंगों को अंजाम दिया गया, यानी प्लानिंग की गई पहले और योजनाबद्ध तरीके से दिल्ली में अलग अलग जगहों पर हिंसा को अमली जामा पहनाया गया। खालिद ने पूछताछ में बताया है कि वारदात को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया। अमानतुल्ला खान और जामिया के कुछ छात्रों ने भी इसमें सहयोग दिया है। CAA, NRC और NPR पर लोगों को भड़काने की साजिश रची गई, और भड़काने के बाद दिल्ली के अलग अलग इलाकों में दंगों की आग सुलगा दी गई। 12 जनवरी की तारीख का जिक्र है। आसपास की महिलाओं को धरने के लिए उकसाया गया था ताकि वो लोग सड़कों पर आ जाएं। दिल्ली में साजिश के तहत हुए थे दंगे। क्राइम ब्रांच की चार्जशीट में ये बड़ा खुलासा हुआ है, और लगातार इस बात को लेकर सवाल उठ रहे थे कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में चरणबद्ध तरीके से जिस तरीके से लोग सड़कों पर आए, क्या उन्हें उकसाया गया था? क्या किसी योजनाबद्ध तरीके से पहले लोगों को सड़कों पर उतारा गया, उसके बाद हिंसा भड़काई गई ताकि हंगामा ज्यादा हो और आग ज्यादा फैले? दंगों में CAA, NRC और NPR को लेकर दंगे हुए थे। 11 जनवरी 2020 को पर्चे बांटे गए थे, तो बाकायदा क्राइम ब्रांच ने जो चार्जशीट अब दाखिल की है, उस चार्जशीट में ये बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली में साजिश के तहत दंगों को अंजाम दिया गया। क्राइम ब्रांच की चार्जशीट में ये बड़ा खुलासा। इशरत जहां और खालिद सैफी का जिक्र है जिनसे पूछताछ हुई थी, और उस पूछताछ में जो बड़े खुलासे हुए उसका जिक्र है इस चार्जशीट में कि बाकायदा योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया। अमानतुल्ला खान का जिक्र है, जामिया के कुछ छात्रों का जिक्र है। CAA, NRC के विरोध में बाकायदा लोगों को उकसाया गया। 11 जनवरी को पर्चे बांटे गए, और 12 जनवरी को इमाम वसीम ने मदरसे में एक मीटिंग की। आसपास की महिलाओं को इस मीटिंग में धरने के लिए उकसाया गया। उन्हें इस बात के लिए प्रवोक किया गया कि वो सड़क पर आ जाएं। दिल्ली में साजिश के तहत हुए थे दंगे। तीन बड़ी तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। साजिश के तहत हिंसा भड़काई गई थी, ये तस्वीर अब साफ हो गई है क्राइम ब्रांच की चार्जशीट में। लगातार इस बात को लेकर सवाल उठे थे कि जिस तरीके से बड़ी संख्या में पत्थरबाजी हुई, पुलिस के जवानों पर पत्थर बरसाए गए, आगजनी की गई, ये सब कुछ पहले से इसकी तैयारी थी, और इसका खुलासा हुआ है कि ये सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से हुआ। अमानतुल्ला खान पर आरोप है बड़ा, आम आदमी पार्टी के नेता हैं उन पर बड़ा आरोप है, और लगातार इनके कई भड़काऊ बयान भी सामने आए थे जब CAA, NRC को लेकर विरोध चल रहा था, प्रदर्शन चल रहा था। क्राइम ब्रांच की चार्जशीट में जो बड़ी बातें हैं, क्राइम ब्रांच की चार्जशीट में बड़ा खुलासा हुआ है, और बड़ा खुलासा ये हुआ है ये सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया, यानी साजिश के तहत दिल्ली में दंगे हुए थे। यह तस्वीर अब क्राइम ब्रांच की चार्जशीट से साफ हो चुकी है। मंडोली जेल में पूछताछ हुई है जो आरोपी हैं उनसे, और उस पूछताछ के जरिए यह खुलासा हुआ। इशरत जहां, खालिद सैफी दंगे के सूत्रधार थे, और इन्होंने प्लानिंग की कि कैसे दिल्ली के अलग अलग इलाकों में दंगों को भड़काया जाए। योजना इन्होंने बनाई और योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया दंगों को भड़काने का। आम आदमी पार्टी के MLA अमानतुल्ला, उन पर आरोप है कि उन्होंने इसमें सहयोग दिया। धारा 370 और 35 से हटाने को लेकर मोदी सरकार से लोग खफा थे। CAA को लेकर मोदी सरकार को मुस्लिम विरोधी साबित करने की साजिश रची गई, और इसी साजिश के तहत ट्रंप के दौरे के दौरान दिल्ली में दंगे हुए थे। ये आपको याद होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब आए थे भारत के दौरे पर, उसी दौरान ये दंगे भड़के थे। 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। क्राइम ब्रांच की चार्जशीट से जो सबसे बड़ी खबर है, वो सबसे बड़ी खबर ये कि दिल्ली में जो दंगे हुए थे वो प्लानिंग करके साजिश रची गई थी इन दंगों की, हिंसा भड़काने की, और बाकायदा साजिश रचने के बाद योजनाबद्ध तरीके से इन दंगों को अंजाम दिया गया। इशरत जहां और खालिद सैफी क्राइम ब्रांच की चार्जशीट के मुताबिक ये इस दंगे के सूत्रधार हैं। इन्होंने इस पूरे दंगे की प्लानिंग की। 11 जनवरी को बाकायदा मदरसे में मीटिंग होती है, पर्चे बांटे जाते हैं, महिलाओं को भड़काया जाता है कि आप सड़कों पर उतरिए। 11 जनवरी 2020 को CAA, NRC और NPR के पर्चे बांटे गए। 12 जनवरी 2020 को इमाम वसीम की सरपरस्ती में मदरसे में मीटिंग हुई, और इस मीटिंग में महिलाओं को भड़काया गया, औरतों को इकट्ठा करके धरने के लिए उकसाया गया, मानव श्रृंखला बनाने की बातचीत हुई। 13 जनवरी को पेट्रोल पंप खुरेजी के पास धरने पर बैठे थे लोग, उस दौरान वहां पर भड़काऊ भाषण दिए गए। 23 फरवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आने की बात भी हुई। दिल्ली में अलग अलग जगह रोड जाम करके प्रोटेस्ट का प्लान बना कि जब ट्रंप पहुंचे तो उस दौरान एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हो देश की राजधानी दिल्ली में। तो जो दिल्ली दंगे की बड़ी डेडलाइन है, 11 जनवरी पहली अहम तारीख जिस दौरान पर्चे बांटे गए, 12 जनवरी को एक मीटिंग होती है मदरसे में, और इस मीटिंग में लोगों को भड़काया जाता है, औरतों को इकट्ठा करके धरने के लिए उकसाया गया। रुमानुल्लाह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। रुमान, सबसे पहले जो क्राइम ब्रांच की चार्जशीट में सबसे बड़ा खुलासा है, लगातार इस बात को लेकर सवाल थे कि दिल्ली में जिस तरीके से दंगे भड़के, लोगों ने जिस तरीके से पत्थरबाजी की, जिस तरीके से आगजनी की, यह सब कुछ बड़े पैमाने पर बिना तैयारी के नहीं हो सकता था। अब यह तस्वीर साफ हो गई है, बाकायदा साजिश रची गई, योजनाबद्ध तरीके से दिल्ली में दंगों को अंजाम दिया गया।
देखिए बिल्कुल खुरेजी हिंसा मामले में जो चार्जशीट दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने दाखिल की है उससे ये बात साफ हो गई है। इसमें कहा गया है कि इशरत जहां और खालिद सैफी से जब मंडोली जेल में पूछताछ की गई तब खालिद सैफी ने इस बात को माना कि उसने पहले से ही इन दंगों की साजिश की थी, जिसमें इशरत जहां और खालिद सैफी का साथ जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के अमानुल्ला, जामिया के कुछ छात्रों और लोकल लोगों ने दिया था। इस पूरे मामले में 11 जनवरी को एक मीटिंग की गई और CANRC के विरोध में पर्चे छापे गए क्योंकि और ये बंटवाए भी गए क्योंकि ये लोग पहले से ही खासे गुस्से में थे। इनको लगता था कि सरकार अल्पसंख्यक विरोधी है, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में 370 और 35 से हटाया गया था उसके बाद ये गुस्से में थे। बाबरी मस्जिद को लेकर ये गुस्से में थे और जब CAA लागू हुआ तब इनको पूरी तरह से इन्होंने साजिश कर दी कि इनको कुछ ऐसा करना जिससे सरकार इनके सामने झुके, जिसकी वजह से ही 11 जनवरी को इन्होंने पर्चे छपवाए। उसके बाद फिर उसी इलाके के मदरसे में इमाम वसीम की सरपरस्ती में वहां पर मीटिंग हुई जहां पर स्थानीय महिलाओं को बुलाया गया और उन्हें भड़काया गया, जिसके बाद उनसे ह्यूमन चेन बनवाई गई और उसके अगले दिन ही ये लोग खुरेजी पेट्रोल पंप के पास धरने पर बैठ गए और वहां पर भाषणों के जरिए NTCA प्रोटेस्ट में महिलाओं को भड़काना शुरू किया। 23 फरवरी को इनको पता चला कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के दौरे पर आने वाले हैं, जिसके बाद अचानक से ही इन्होंने एक बड़ी साजिश को अंजाम दिया और 25 तारीख को जगह जगह पर सड़क ब्लॉक करके और फिर उसका जब हटाया जाए तब उनको दंगों की शक्ल में तब्दील करने की साजिश रची गई और पूरे योजनाबद्ध तरीके से इस साजिश को अंजाम दिया गया। एक और पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि खालिद सैफी NTCA प्रोटेस्ट से पहले विदेश यात्रा पर गया था और इशरत जहां का है कि वो सूत्रधार थे, बाकायदा उन्होंने प्लानिंग रची और योजनाबद्ध तरीके से इस हिंसा को अंजाम दिया। इसके साथ ही अमानतुल्ला का भी नाम है जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उनका भी नाम है कि उन्होंने भी इस दंगे में, इस साजिश में बराबर के वो हिस्सेदार थे। तो ये बड़े नाम सामने आए हैं। देखिए इसमें जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य अमानुल्ला का नाम है और जामिया के कुछ और दूसरे छात्रों का नाम है, साथ ही खालिद सैफी और इशरत जहां का नाम है। इस मामले में सबसे बड़ी एक और जानकारी आई है जो पुलिस को जांच में सामने आया है कि खालिद सैफी ने NTCA प्रोटेस्ट से कुछ समय पहले विदेश यात्रा की थी और वहाँ पर वो डॉक्टर जाकिर नाइक से उसने मुलाकात की थी, जिसके बाद उसकी NGO को काफ़ी फंडिंग भी विदेश से मिली थी जो कि गल्फ कंट्रीज से थी और PFI का पैसा भी आया था। इस चार्जशीट में इस बात की भी जानकारी दी गई है कि इन पूरे दंगों की साजिश के पीछे PFI ने बड़ी फंडिंग की थी। और सबसे बड़ी बात यह कि खालिद सैफी वही आदमी है जो उमर खालिद के साथ ताहिर हुसैन से मिला था शाहीन बाग में NTCA प्रोटेस्ट में और यहाँ पर उसने ताहिर हुसैन को कुछ रकम एडवांस भी दी थी और बड़े दंगे के लिए तैयार रहने को कहा था। मतलब जब NTCA प्रोटेस्ट चल रहे थे तभी से खालिद सैफी, उमर खालिद और ये तमाम लोग दंगों की प्लानिंग कर रहे थे कि किस तरीके से इस प्रदर्शन के जरिए लोगों का गुस्सा भड़काया जाए और उसको किसी तरीके से दंगों की शक्ल में तब्दील किया जाए। खालिद सैफी का जिक्र किया, खालिद सैफी को लेकर तो एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि खालिद सैफी जाकिर नाइक से मिला था। जाकिर नाइक से बाकायदा दिल्ली में दंगों को भड़काने को लेकर बातचीत हुई थी, फंडिंग भी हुई थी। बिल्कुल, और ये उसकी ट्रैवल हिस्ट्री से, उसके पासपोर्ट की रिपोर्ट्स रिकॉर्ड से और जो विदेश यात्राएं उसने की थी उससे पता चला है। पैसा जुटाने के लिए वो लगातार विदेशी यात्राएं कर रहा था और एक विदेशी यात्रा के दौरान डॉक्टर जाकिर नाइक से मुलाकात की थी, जिसके बाद उसके NGO में काफ़ी पैसा भी आया था जो कि विदेशों से आया था, गलत तरीके से आया था। उसके बाद ही NTCA प्रोटेस्ट की बुनियाद रखी गई और उन NTCA प्रोटेस्ट के जरिए लोगों का गुस्सा भड़काकर उनको दंगों की शक्ल में तब्दील किया गया। ये तमाम चीज़ें अब खुलकर सामने आ रही हैं, लेकिन सीधी बात है कि जिस तरह से PFI का पैसा आया था और कौन ये लोग थे जिन्होंने इस पूरे दंगों की फंडिंग की, जल्दी उनके चेहरे से भी नकाब हटेगा। ठीक है रोमान, हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार ये जो बड़े नाम सामने आए हैं दिल्ली दंगों को लेकर, क्राइम ब्रांच जो जांच कर रही है उस जांच में उसने चार्जशीट अब सामने रख दी है। मलेशिया में जाकिर नाइक से भी सैफी ने मुलाकात की थी, पूर्व कांग्रेस पार्षद इशरत जहां से भी पूछताछ हुई है, अमानुल्लाह पर दंगों को भड़काने का आरोप है और इस चार्जशीट में दो टूक ये साफ कर दिया गया है कि दिल्ली दंगों की साजिश रची गई थी, बाकायदा योजनाबद्ध तरीके से हिंसा को अंजाम दिया गया दिल्ली के अलग अलग इलाकों में।